तो ये तो हमने टॉपिक डिस्कस किया इंट्रोडक्शन ऑफ द हेलियल गेन्स एंड हेलियल गेन्स। इंट्रोडक्शन के बाद अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलियल गेन्स एंड हेलियल गेन्स। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ हेलियल गेन्स एंड हेलियल गेन्स। क्लासिफिकेशन, देखो हेलियल गेन्स और हेलियल गेन्स को कई मोड पर कई बेस पर क्लासिफाई किया गया। कुछ एक मोड्स हमारे 12th स्टैंडर्ड को रिलेट करते हैं, उन्हीं मोड को हमें डिस्कस करना है जो हमारे 12th स्टैंडर्ड को रिलेट करते हैं। सबसे पहले जो आपके क्लासिफिकेशन का मोड है वो आपके पास है द फर्स्ट थिंग डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स एडेड। इस बात को डिपेंड करते हुए कि हमने कितने नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स को ऐड किया। ओके, आपके पास अगर वन हैलोजन एटम एडेड है, सपोज अगर आपने कंपाउंड में वन हैलोजन एटम ऐड कर रखा है तो आप उसे कहोगे मोनो हैलो, राइट। अगर आपके पास में टू हैलोजन एडेड होंगे तो आप उसे कहोगे डाई हैलो। अगर आपके पास में थ्री हैलोजन एडेड होंगे तो आप उसे कहोगे ट्राई हैलो। सिमिलरली अगर आपके पास में फोर हैलोजन्स एडिड होंगे तो आप उसे कहोगे टेट्रा हैलो। सो ऑन कंडीशंस आपके पास हो सकती है। फॉर वन हैलोजन दिस इज द मोनो हैलो, फॉर टू हैलोजन्स दैट इज डाई हैलो, फॉर थ्री हैलोजन्स दैट इज ट्राई हैलो, एंड फॉर फोर हैलोजन्स दैट इज टेट्रा हैलो, एंड सो ऑन कंटिन्यू। सपोज आपके पास कोई कंपाउंड है CH3, CH2 and X may be fluorine, chlorine, bromine or iodine. You will not take as astatine as I told you earlier. So यहाँ आपके पास में one halogen atom added है। One halogen atoms के लिए आप इसको name दोगे mono halo. And how many carbons are there in the chain? Two carbons are there. For two carbon it is labeled as the ethane. So the compound is monohaloethane. Suppose we have a next compound CH3CH2CHX2. Now we have two halogen atoms added. For two halogen atoms added it is labeled as the dihalo. And how many carbons are there? 1, 2, 3. For three carbon it is labeled as the propane. So the compound will be dihalopropane. वन हैलोजन के लिए मोनो हैलो इथेन, जैसे कि आपने इस वाले एग्जांपल में देखा, या आपके पास में टू हैलोजन एटम्स आ रहे थे आपने इसको लिखा डाई हैलो, और कार्बन के भी तीन है 1, 2 और 3, तो आप इसको प्रोपेन कहोगे, राइट। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स एडेड, अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट, इफ यू हैव वन हैलोजन एटम एडेड आप इसको मोनो हैलो कहोगे, अगर आपके पास में टू हैलोजन एटम्स एडेड होंगे आप इसको डाई हैलो कहोगे, अगर आपके पास में थ्री हैलोजन एटम्स एडेड होंगे आप इसे ट्राई हैलो कहोगे, फोर हैलोजन एटम्स एडेड होंगे तो आप इसे टेट्रा हैलो कहोगे, एज इट इज ये आगे कंटिन्यू रहेगा। ये सेम चीज आपका एरीन यानी कि बेंजीन के अंदर भी पॉसिबल है। सपोज हमारे पास ये बेंजीन का नहीं है और हमने यहाँ पर कोई हैलोजन एटम ऐड कर दिया है, बाकी रिस्पेक्टिव पोजीशंस पे हाइड्रोजन एटम एडेड है, तो अगर मुझे इसे सिंपल वर्ड्स में लिखना होगा, क्लासिफाइड टर्म में लिखना होगा, तो मैं इसे लिखूंगा मोनो हैलो बेंजीन, बिकॉज वी हैव वन हैलोजन एटम एडेड ऑन द बेंजीन रिंग। फॉर वन हैलोजन एटम हमें मोनो हैलो लिखना है तो हम लिखेंगे मोनो हैलो, और क्योंकि हमारे पास रिंग बेंजीन है सो आपका बेंजीन यहां पर एडेड होगा, तो कंपाउंड आप जो बनाओगे वो आपके पास हो जाएगा मोनो हैलो बेंजीन। देयर इज द फर्स्ट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन गेन्स एंड हैलोजन गेन्स। द फर्स्ट इज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स एडेड। अगेन अगर आप पे वन हैलोजन एटम एडेड होगा तो आप इसे मोनो हैलो बोलोगे, टू हैलोजन के लिए आप इसे डाई हैलो बोलोगे, थ्री हैलोजन के लिए आप इसे ट्राई हैलो बोलोगे, फोर हैलोजन के लिए आप इसे टेट्रा हैलो बोलोगे, इस तरह से आपकी प्रोसेस कंटिन्यू होती रहेगी।